श्रेया, क्या कुछ होगा? कितनी गंभीर स्थिति में ये बैठक हो रही है और इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, ये बैठक ऐसे सिचुएशन पे हो रही है जब कोविड की जो केसेस है वो 6 लाख एक्टिव केसेस में अभी छूने वाले हैं। और ये भी कहना जरूरी है कि कल ही हमने देखा कि जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री आज एक पूरे जो कोविड सिचुएशन है देश में उसकी अपडेट लेंगे। हेल्थ मिनिस्टर भी इस मीटिंग में रहेंगे और आज 4:30 बजे से ये मीटिंग शुरू होने थी। और क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं कहीं ना कहीं, तो क्या क्या वो प्रेपरेशंस है, बेड्स हो, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, आईसीयू बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन का प्रेपरेशन क्या है, ये सारे जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में वो आज जानकारी लेंगे। इसके अलावा कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बूस्टर डोजेस भी लगने वाले हैं उन सभी लोगों को जो चुनाव से रिलेटेड काम में जुड़ेंगे, तो ये सारे जो अपडेट्स है वो आज इस मीटिंग में लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अन्य ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर खुद, वो सारे मौजूद होंगे इस कोविड एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में। श्रेया, जो हमारे देश के लोगों को चिंता है, हालांकि कमी हमारी भी है, हम बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्या इस बैठक के बाद देश में प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय हो सकता है? कोई एडवाइजरी राज्यों को जारी हो सकती है? देखिए, फिलहाल जो हम अपने सूत्र के मुताबिक सुन रहे हैं कि और प्रतिबंध बढ़ाने की बात तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मैसेजिंग है वो ज्यादातर वैक्सीनेशन को लेके भी आएगा। और ये भी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहने, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं और भी प्रमोट करना, ये सारी डिटेल्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा हमने जो देखा है कि पाबंदियां लगने के बावजूद भी स्पाइक्स हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। हम जहां पे खड़े हैं दिल्ली, दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू चल रही है, इसके बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 20% छूने को है। तो आज इसके बावजूद हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने खुद कहा कि लॉकडाउन लगने की चांसेस कम है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट उतना ज्यादा नहीं है पॉजिटिविटी रेट के जी बढ़ने के बावजूद। सो कहीं ना कहीं पाबंदी ना भी लगे, ठीक है, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं रेट किया जाएगा।